प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात की है और एक पेड़ माँ के नाम लगाने की बात की है। और इस पर किसका रिएक्शन आया है? इस पर रिएक्शन आया है दो दो राज्यों के मुख्यमंत्री का। इसलिए आपको ये भी दिखाऊंगा मन की बात में क्या विशेष रहा, ये भी सुनाऊंगा। तो चलिए मन की बात की ओर बढ़ते हैं। आज प्रधानमंत्री ने 111वीं बार मन की बात की है। 111वीं बार मन की बात की है, लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के बाद पहली बार मन की बात कार्यक्रम प्रसारित हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव, हूल दिवस, रथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा, कुवैत रेडियो के हिंदी शो, केरल के कार्थुम्बी छाते पर भी चर्चा की। पूरी बातचीत में प्रधानमंत्री का खास जोर पर्यावरण पर रहा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की का भी जिक्र किया। इस अभियान को भव्य और विराट बनाने के लिए मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने भी पूरी तैयारी कर ली है। रिपोर्ट देख लीजिए, बहुत कुछ समझने में आसानी होगा। चलाइए रिपोर्ट। एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ अपनी माँ के नाम के अभियान के माननीय प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में एक पेड़ माँ के नाम अभियान आयोजित किया जा रहा है। 6 जुलाई को बड़े स्तर पर प्रदेश में पौधारोपण होगा। खबर है कि इस दिन अकेले भोपाल में 12 लाख पौधे रोपे जाएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम का एक बड़ा अभियान चलाने का देश में आह्वान किया। मध्य सरकार भी इस मामले में गंभीर है। लगभग 5.5 करोड़ पेड़ हम लगाने वाले हैं। आप सबको इस अभियान से जुड़ने की अपील करता हूँ। इस अभियान को राजधानी भोपाल में एक पौधा भोपाल के नाम अभियान कहकर भी पुकारा जा रहा है। भोपाल में कुल 480 हेक्टेयर एरिया में पौधारोपण किए जाने का टारगेट फिक्स किया गया है। प्रदेश में 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें सिर्फ इंदौर में ही 51 जगहों पर पौधारोपण होगा। भोपाल में 350 जगहों को चिन्हित किया गया है। भोपाल में 12 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह प्रदेश के शहरों की आबादी और बढ़ रहे पॉपुलेशन स्तर को मद्देनजर रखते हुए एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पेड़ों की संख्या तय की गई है। सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस कार्यक्रम के लिए भी आमंत्रित किया है। गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी से मिला हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वे लगातार मध्य प्रदेश के विकास में सहयोग करते रहते हैं और उनको मैंने हमारे अपनी माँ के नाम के पेड़ के बड़े अभियान के शुरुआत के लिए निमंत्रण दिया है। इस दिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती भी है। सीएम ने पौधारोपण कार्यक्रम से जन जन को जुड़ने का भी आग्रह किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक की है और एक जगह पर विशाल जन भागीदारी वाला कार्यक्रम भी रखने का निर्देश दिया है। सीएम ने इसे लेकर सभी जिम्मेदार अधिकारियों को बारीकी से तैयारी करने के भी निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। प्रदेश में 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, बड़ी प्लानिंग है। एक एक तस्वीर दिखाएंगे आपको। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी पेड़ लगाने की अपील की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या कह रहे हैं, ये भी सुनाइए विस्तार से। एनडीए की तीसरी बार सरकार बनने के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आज उनका पहला ये प्रधानमंत्री की मन की बात के माध्यम से देश की जनता से रूबरू हुए और आज उन्होंने मन की बात में एक पेड़ माँ के नाम इसका आह्वान किया है कि सभी लोग अपने माँ के नाम से एक पेड़ लगाएं। अभी बरसात का समय भी है, पेड़ लगाने का अच्छा अवसर है।